भाइयों नमस्कार। कृषि विलेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और हम आज आपको नींबू की पेड़ की कटिंग करना सिखाएंगे कि किस तरह से नींबू को पेड़ की कटिंग की जाती है। कटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि पेड़ जल्दी से जल्दी ग्रोथ करे और उस पर फल आए। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पेड़ की कटिंग कैसे की जाती है। जैसे ये जो रोग ग्रसित जो टहनियाँ हैं, जैसे ये लीफ माइनर रोग आ जाता है, सिकुड़ा रोग बोलते हैं इसको, ये टहनियाँ ये हमें बिल्कुल हटा देनी है। इन पर हम कोई भी फंगीसाइड लगाएंगे या कोई भी दवाई देंगे तो ये सही नहीं होने वाली, इससे आपके पेड़ की ग्रोथ वहीं के वहीं रुक जाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको ये वाली टहनियाँ हटाएंगे और पौधे के नीचे से जितनी भी टहनियाँ इधर उधर जा रही हैं वो सारी हटा दी जाएंगी, जिससे कि गुड़ाई उड़ाई में दिक्कत ना हो। जैसे कि ये देखिए, ये इस वाली टहनी को हम हटा देते हैं कटर से, कटर की सहायता से ये हटा देते हैं, ये इसको भी आप हटा दो, ये हटा दो, इससे कि पेड़ के नीचे निराई उड़ाई करने में आसानी हो। आप इसे भी हटा सकते हैं, कटर आप कोई सा भी ले लें, मजबूत कटर। ये यहां से आप इतना आप पेड़ को साफ करेंगे और ये रोग ग्रसित जो भी टहनियां हैं उनको आप बिल्कुल हटा देंगे। आप इसको यहां से करिए, ठीक। और ये जो पीले पत्ते पड़े हुए हैं आप इसको यहां से काटिए। पेड़ को थोड़ा हल्का कर दें, ये यहाँ से हटे, और ये जो बीच में ज्यादा झाड़ियां हैं पेड़ को आपको हल्का कर देना है। ये यहाँ से ये इसको आप यहाँ से काटिए जिससे कि नई डाली आए। देखिए ये जैसे रोग ग्रसित है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, ये डाली किसी काम की नहीं, तो इसको आप यहाँ कर दिए। जितना आप इसको इस तरह की अगर कोई डाली है इस तरह की तो आप इसको यहाँ से काट सकते हैं, या अगर पत्ते में रोग है, सिकुड़ा रोग आया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से काट दें। ये जितने भी पॉइंट बने हुए हैं, ये जैसे ये क्लोजअप में दिखा, तो ये यहाँ से इसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो इसको यहाँ से काटिए। ये बिल्कुल सही है, आप इसको इतना हटा दो, बस रोक लो। दिसंबर ये हमारा दिसंबर का माह चल रहा है, अब हमें जैसे गर्मियों के फल चाहिए तो उसके लिए कटिंग करनी पड़ेगी। और ये इसको ये हटाइए, ये यहाँ से ये काटिए, ठीक। और ये जो डंडी है ये क्लोजअप देखिए, ये यहाँ से इसे काटिए, ठीक है ना। और आप इसको यहाँ से इसे काट दीजिए, ग्रसित है रोग ग्रसित जो भी डंडी हो
ये है, जैसे ये रोग ग्रसित हो गई है, ये सिकुड़ा रोग आ गया, उसको ये क्रॉस में काट दो, ठीक। और आप ये इसको यहाँ से बिल्कुल हटा दो, ठीक है। और ये टहनी आपकी, ये यहाँ से काट दीजिए, ये ऊपर से पुलिंग कर दीजिए, और तो डंडी सारी इसके ठीक है, मतलब जो ये इस तरह कटिंग से, ये देखो ये एक साल का पौधा है और ये बारहमासी लेमन है, ये बारहमासी नींबू है, काफ़ी रस है इसमें।